हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 17 है। पैर फिसल जाने की वजह से लीन पानी में गिर जाता है। कुई तुरंत उसके पास जाता है। टेड अपने टेंटेकिल से लीन को उठने में मदद करता है। लीन को कुछ समझ नहीं आता है वो कैसे अपने आप खड़ा हो सकता है। कुई उसे बोलता है वाटर के साइड में बहुत सारे मोजेस हैं, इसीलिए ये जगह स्लिपरी है। कुई उसके कपड़े उतारते हुए बोलता है तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तुम्हें जल्दी से इन्हें चेंज करना होगा नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो सकता है। लीन बोलता है कुई ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी चीज ने मुझे जकड़ के रखा है। कुई बोलता है ये सब मेरे टेंटेकल से है, क्या तुम्हें पहले की तरह मेरे टेंटेकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। लीन बोलता है मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुई पूछता है मेरे हाथों में टेंटेकल्स है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। लीन बोलता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुई बोलता है मेरे पीछे तरफ भी टेंटेकल्स है। लीन बोलता है मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कुई बोलता है शायद तुम नेचुरली इन्हें देख नहीं सकते, ड्रीम सकिंग स्नेक ज्यादा देर तक तुम्हारे बॉडी में था इसीलिए तुम मेरे टेंटेकल्स पहले देख पा रहे थे। लीन अपने भीगे शर्ट से पानी निचोड़ते हुए बोलता है शायद ऐसा हो सकता है, मुझे सडनली ये सब दिखना बंद हो गया है इसीलिए मेरे लिए एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तभी कोई उसका शर्ट के अंदर टेंटेकल्स घुसाने लगता है। लीन उसे बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। कुई उसके करीब जाके बोलता है हालांकि तुम इसे देख नहीं सकते पर तुम इसे फील कर सकते हो। लीन बोलता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था। कुई उसे टेंटेकल्स से टीज करने लगता है। लीन ब्लश करते हुए बोलता है मुझे टच करना बंद करो। लीन अपने भीगे हुए कपड़े चेंज करता है। ये अच्छी बात है कि उनके पास एक्स्ट्रा कपड़े थे। लीन बोलता है मेरे शू पूरी तरह से भीग गए हैं, मैं अब क्या करूंगा। कुई इसके बारे में सोचने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है कुई उसे बाहों में उठाते हुए हवा में उड़ने लगता है। ऊपर से लीन को नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुई उसे बोलता है आज गर्मी ज्यादा है, अगर हम रात को निकलते तो हमें ठंडा लगता। लीन उसे पूछता है क्या तुम ज्यादातर फ्लाई करते हो। कुई बोलता है हाँ ज्यादातर मैं ड्रीम हंट करता हूँ रात को। लीन पूछता है क्या लोग तुम्हें उड़ते हुए नहीं देख पाते हैं। लीन बोलता है नहीं, मैं जब हवा में उड़ता हूँ मैं अपना मैजिक यूज करता हूँ खुद को हाइड करने के लिए। मैजिक वर्ड सुन के लीन बोलता है वाओ ये कितना अमेजिंग है। कुई सोचता है मुझे टाइम निकाल के उसे रात को घुमाना चाहिए। कुई को सामने से फोग दिखाई देता है। वो जमीन पे उतरते हुए बोलता है ये कितना वियर्ड है, यहाँ पे फोग कैसे हो सकता है। लीन बोलता है इसका मतलब है कि हम लोग गोडेस के घर के पास पहुँच गए हैं। जब मैं एंड मेरी मोम गोडेस को ढूंढने निकले थे तब हमें भी ऐसा फोग दिखने को मिला था। वो मैजिक यूज करती है ताकि लोग उसे ना ढूंढ पाए। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं फोग और भी ज्यादा ठीक होने लगता है। कुई बोलता है हमें अब क्या करना चाहिए। इनविटेशन लेटर में फोग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। तभी लीन को इयान का फॉर्चून के बारे में याद आता है। लीन कुई को बोलता है हमें वेस्ट की तरफ बढ़ना है, हम लोग फोन में कॉम्पस यूज कर सकते हैं। कुई ओके बोलता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें एक घना जंगल मिलता है। उन घने जंगल के बीच उन्हें एक घर मिलता है। कुई पूछता है क्या हम लोग पहुंच गए। लीन बोलता है हाँ ये वही जगह है। कुई बोलता है क्या यही वो जगह है जहाँ पे वो गोडेस रहती है, मैंने जो इमेजिन किया था ये उससे अलग है। तभी डोर से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की ब्रूम से बैठ के हवा में उड़ जाती है। ये देख के लीन बोलता है वाओ वो ब्रूम में उड़ सकती है। कुई बोलता है ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी रियल विच को हवा में उड़ते हुए देख रहा हूँ। तभी कोई उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलता है। अंदर जाने पे वो लोग देखते हैं सोफे पे एक बच्ची बैठी है। वो बच्ची बोलती है तुम दोनों आ ही गए। वो लीन को बोलती है हम दोनों अगेन मिल रहे हैं। उस बच्ची को देख के कुई सोचता है ये तो एक किड है। लीन उसे हेलो बोलता है।
लीन भूल ही गया था कि वो कुई के बाहों में है। उसे जब रियलाइज होता है वो नीचे उतर जाता है। वो बच्ची उन दोनों को चाय देते हुए बोलती है, तुम लोग थक गए होगे, तुम बैठ के चाय पियो। लीन बोलता है, लास्ट टाइम के मुकाबले आप अभी बच्ची दिख रही हैं। वो बच्ची बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, लास्ट टाइम तुमने मुझे एडोल्ट की फॉर्म में देखा था। तभी वो बच्ची तुरंत एक अडोल्ट में बदल जाती है एंड उन्हें बोलती है, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है लीन एंड कुई। ये देख के कुई सोचता है वो अडोल्ट में ट्रांसफर हो गई। कुई उसे पूछता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो लेडी बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे मेरे क्लाइंट्स के ओरिजिन के बारे में सब कुछ पता रहता है। मुझे ये भी पता है कि लिन का बॉडी में जो ड्रीम सकिंग स्नेक था वो तुम्हारा ही था। एक्चुअली मुझे 2 साल पहले पता चल गया था कि लिन के बॉडी में ड्रीम सकिंग स्नेक है, पर तब मुझे पता नहीं था कि आखिर उसके बॉडी में ये कहाँ से आया। मैं किसी दूसरे क्लान के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तब मैंने लिन के बॉडी से उसे रिमूव नहीं किया था। इसके बदले में मैंने उसे एक्सोसिज्म टालिज्म एंड प्रोटेक्टिव चार्म दिया था ताकि उसका बोझ कम हो सके। अभी तुम दोनों यहाँ पे आए हो ताकि मैं लिन को उस स्नेक में स्टोर्ड हुए एनर्जी वापस कर सकूं। ये सुन के कुई हाँ बोलता है एंड सोचता है उन्हें सब कुछ पता है। वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है, मेरे साथ चलो। लिन एंड कुई उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो लेडी मैजिक से एक सर्कल बनाती है एंड उन्हें सर्कल के अंदर आने के लिए बोलती है। देन वो लेडी ड्रीम सकिंग स्नेक को देने के लिए बोलती है। कुई उस स्नेक को दे देता है। वो लेडी उस स्नेक को एक जगह पे लॉक कर देती है। देन वो लेडी उन दोनों को नाइफ देते हुए बोलती है, मुझे तुम दोनों से ड्रॉप ऑफ ब्लड चाहिए। दोनों अपना फिंगर को नाइफ से कट करते हैं। उनके हाथों से ब्लड ड्रॉप मैजिकल सर्कल पे गिरता है, जिसकी वजह से उस स्नेक के चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है। वो लेडी बोलती है, अभी के लिए इतना ही, इस समय स्पेल को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, हम लोग कल कंटिन्यू कर सकते हैं। कुई लिन को पूछता है, क्या तुम्हारे फिंगर में दर्द हो रहा है? लिन बोलता है, मैं ठीक हूँ। कुई उसका फिंगर को सक करने लगता है, जिससे लिन ब्लस करता है। उन दोनों को देख के लेडी बोलती है, तुम दोनों काफी करीब हो, मैंने फर्स्ट एड किट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, मैंने गेस्ट रूम भी प्रिपेयर कर दिया है। देन वो लेडी कुई को बिल देती है। बिल देख के लीन बोलता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे याद है जब मैं अपनी मोम के साथ आया था तब ये फ्री था। वो लेडी हंसते हुए बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं बस रिच लोगों से चार्ज लेती हूँ, बहुत ही कम लोगों को इस मैजिक के बारे में पता है एंड मुझे लगता है इस प्राइस से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। ये सुन के कुई सोचने लगता है, ये पर्सनालिटी मुझे किसी का याद दिला रहा है। लिन कुई को बोलता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है ना? कुई बोलता है, ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि मैंने उन्हें हेल्प के लिए पूछा था, तुम परेशान मत हो, ये प्राइस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुई सोचता है, ये मेरे 3 साल का पॉकेट मनी के बराबर है। वो लेडी उन दोनों को रूम दिखाती है एंड बोलती है, सॉरी लिन, गेस्ट रूम में बस एक ही बेड है, मैं होप करती हूँ कि तुम एंड तुम्हारा बॉयफ्रेंड के लिए ये काफी होगा। बॉयफ्रेंड का नाम सुन के लीन ब्लस करने लगता है एंड उन्हें पूछता है, आपको हम दोनों का रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता? वो लेडी बोलती है, मैं गोडेस हूँ, वो सब कुछ जानती है, ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में भी पता है। कुछ देर के बाद तुम लोग नीचे आ सकते हो मेरे साथ खाना खाने के लिए। ये बोल के वो लेडी चली जाती है। उसके जाने के बाद कुई लिन को हग करते हुए बोलता है, बॉयफ्रेंड चलो नीचे चलते हैं। ये सुन के लिन बहुत ही ज्यादा ब्लस करने लगता है एंड कुई को बोलता है, अगर तुम मुझे ऐसे हग करोगे दिन मैं कैसे चल पाऊंगा? कुई बोलता है, ठीक है तब हम दोनों बाद में चले जाएंगे। इसके बाद हमें कुई का पास्ट के बारे में बताया जाता है। ये तब की बात है जब उसका झगड़ा अपने दोस्त से हो गया था। वो अपने दोस्त के साथ स्कूल में था। वो देखता है कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। वो अपने दोस्त को पूछता है, वहाँ पे फाइट क्यों चल रहा है?
उसका दोस्त बोलता है, मैंने सुना था कि दूसरी स्कूल की लड़की अपना बीए को चीट कर रही थी हमारे स्कूल के लड़का के साथ। अब उन दोनों लड़कों के बीच झगड़ा चल रहा है। तभी कुई की एक लड़की दोस्त बोलती है, ये लव एंड हेट सिचुएशन है। एक दिन कुई का दोस्त बोलता है, मैंने सुना है कि क्लास की ब्यूटी तुम्हें लाइक करती है। कुई बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुई की लड़की दोस्त बोलती है, कुई तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत सारे लड़की तुम्हें लाइक करती है। कुई बोलता है, क्या सच में? वो सोचने लगता है, ऑनेस्टली मैं इन सब के बारे में जानता हूँ एंड कुछ लड़कियों ने मुझे ऑलरेडी कन्फेस कर चुका है। कुई को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वो समझ नहीं पाता है आखिर वो लोग उसे कैसे पसंद कर सकते हैं। वेल, क्या मैं फ्यूचर में किसी को लाइक कर पाऊंगा? कुछ रिलेशनशिप कुई को स्वीट एंड फ्रेश लगते हैं एंड कुछ रिलेशनशिप डेंजरियस। एक दिन उसका दोस्त उसे हिट करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। वो कुई का कॉलर पकड़ के बोलता है, तुम्हें पता था कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तुमने उसे मुझसे क्यों चुराया? तुम कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे? मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। उस दिन कुई को लगा कि कुछ रिलेशनशिप पैथेटिक एंड सैड होते हैं। लोग जानबूझ के ट्रूथ को इग्नोर करते हैं एंड अपने क्लोज रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं अपने प्यार के लिए। कुई सोचता है, क्या प्यार में लोग स्टूपिड हो जाते हैं? कुई को ये सब समझ में नहीं आता है, इसीलिए उसने कभी भी किसी को डेट नहीं किया था, ना ही वो रिलेशनशिप में आना चाहता था। वो खुद को किसी के लिए चेंज नहीं करेगा। पर बाद में उसका मुलाकात लिन से होता है एंड धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। अभी प्रेजेंट में कुई लिन को बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। लिन ब्लश करते हुए बोलता है, तुम सडनली ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? कुई उसे बोलता है, मुझे हेट मत करना। ये सुन के लिन उसे बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें हेट नहीं करूंगा, अब चलो साथ में डिनर करने चलते हैं। ये सुन के कुई ब्लश करने लगता है। कुई उसे टीज करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पर लिन समझ नहीं पाता है। वो बोलता है, मैं अभी टायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरा ड्रीम नहीं खा सकते। कुई उसके करीब जाके बोलता है, मैं ड्रीम नहीं खाना चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि मुझे वो खाना है। कुई बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब है, तुम मुझे किस करना चाहते हो? तभी कुई उसे अपने करीब खींचता है। लिन बोलता है, हम किसी और के घर में हैं। कुई स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक ही है, मैं तुम्हें और टीज नहीं करूँगा, चलो खाना खाने चलते हैं। नीचे जाने से पहले कुई उसे सडनली किस करता है। देन दोनों साथ में नीचे जाते हैं। कुई उसे बोलता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं स्टूपिड बन जाता हूँ। लिन बोलता है, तुम स्टूपिड नहीं हो। खाने के दौरान वो लेडी बोलती है, बहुत दिनों के बाद मैं किसी के साथ खाना खा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ पे रुक क्यों नहीं जाते मेरे बेटे की तरह? ये सुन के दोनों परेशान होने लगते हैं। देन हमें दिखाया जाता है, रात को लिन जल्दी सो जाता है। उसे देख के कुई सोचता है, लगता है वो ट्रैवलिंग करके थक गया था। कुई छत के ऊपर जाता है फ्रेश हवा खाने। वहाँ पे वो देखता है वो लेडी पहले से वहाँ पे मौजूद है। वो लेडी बोलती है, क्या तुम नहीं सोए हो? कुई बोलता है, मुझे अभी नींद नहीं लग रहा है। वो लेडी बोलती है, सोने या ना सोने से ड्रीम ड्यूमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिन को अपना एनर्जी वापस मिल गया है, फिर भी तुम वोरी क्यों लग रहे हो? ये सुन के कुई स्माइल करते हुए बोलता है, आपको सब कुछ पता है, मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है, ये पहली बार है मुझे गिल्टी फील हो रहा है। लोगों का ड्रीम कंज्यूम करने के दौरान मैं उनसे बहुत झूठ बोलता हूँ। बचपन में मैं दूसरे ड्रीम ड्यूमन से झगड़ा करता था, यहाँ तक कि मैं उनसे फाइट भी करता था। जब मैं लोगों को सफर होते हुए देखता हूँ एंड वो जब मुझे भीख मांगते हैं तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी ह्यूमन को लाइक करूंगा। जब मुझे पता चला कि मेरी वजह से उस पर्सन को सफर होना पड़ा, ये सोच के मैं डर जाता हूँ एंड मुझे सैड भी फील होता है। इस गिल्ट की वजह से कभी कभी मैं उसे फेस भी नहीं कर पाता हूँ। ये सुन के वो लेडी बोलती है, हम दोनों कुछ हद तक सिमिलर हैं। कुई बोलता है, क्या सच में? वो लेडी बोलती है, मैं एक विच हूँ जो हमेशा से फन करना चाहती थी,
पास्ट में वेस्टर्न विच ईस्टर्न मैजिक की तरफ आकर्षित होने लग गए थे एंड वो लोग ईस्टर्न स्पेल को नीचा समझने लग गए थे। पर मैं हमेशा से ईस्टर्न स्पेल पे इंटरेस्टेड थी दूसरे विचेस के मुकाबले। जब मैं ईस्ट आई मैजिक सीखने के लिए दूसरे विचेस मेरे बारे में गॉसिप करने लगे पर मैंने उन्हें ध्यान नहीं दिया। देन मुझे एक ह्यूमन से प्यार हो गया। हम दोनों का एक बच्चा भी है। हम तीनों हैप्पीली रहने लगे पर दूसरे विचेस ने बस मुझे टारगेट नहीं किया बल्कि उन्होंने मेरे फैमिली को भी टारगेट किया। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही मैं वोरी एंड स्केर्ड भी थी अपने फैमिली को लेके, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने चूज किया मैं उन्हें छोड़ दूंगी एंड सीक्रेटली उन पे गार्ड रखूंगी। जब लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने लगते हैं हम उन्हें खोने से डरते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम खुद को ब्लेम कर रहे हो अपने प्रीशियस लोगों को डेंजर में डाल के। ऐसे सिचुएशन में भाग जाना इजी रहता है। अब मेरे पास इतना करेज नहीं है अपना फैमिली को फेस करने के लिए, पर कोई तुम अलग हो, तुम ब्रेव हो। मुझे बिलीव है कि जब तुम लिन को यहाँ पे लेके आए थे तुमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। मैंने सही कहा ना? देन हमें दिखाया जाता है लिन का नींद टूट जाता है। वो सोचता है कुई कहाँ पे है। वो रूम से निकल के कुई को ढूंढता है। इधर वो लेडी कुई को बोलती है हम लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते पर हम लोग फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारा एंड लिन का फ्यूचर तुम दोनों के ऊपर निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखना। मैं होप करती हूँ कि तुम दोनों अलग ना हो। अगर तुम एक बार किसी चीज को खो दोगे देन तुम्हें वो वापस नहीं मिलेगा। कुई उसे थैंक यू बोलता है इतने सारे एडवाइस देने के लिए। तभी लिन विंडो से कुई को पुकारता है एंड पूछता है क्या तुम ऊपर में हो। कुई बोलता है मैं छत पे हूँ विच के साथ, क्या तुम भी आना चाहते हो। लिन हाँ बोलता है। ये सुन के कुई अपने टेंटेकिल से लिन को पकड़ता है एंड उसे छत के ऊपर लेके आता है। कुई उसे बोलता है मुझे कस के पकड़ो, हम लोग ऊंचाई पे हैं। लिन सोचता है मुझे उसके टेंटेकिल नहीं दिख रहे हैं, मैं अब तक यूज टू नहीं हुआ हूँ। वो लेडी बोलती है मैं वापस जा रही हूँ तुम दोनों को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। ये बोल के वो लेडी चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन कुई को पूछता है क्या तुम दोनों बातचीत कर रहे थे। कुई बोलता है हाँ हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, पर तुम अभी तक नहीं सोए हो, यहाँ पे हवा तेज चल रहा है, क्या तुम वापस जाना चाहते हो। लिन बोलता है नहीं मुझे कुछ देर और रहना है। कुई उसे बोलता है क्या तुम नाइट फ्लाइट पे चलना चाहते हो। लिन हाँ बोलता है। कुई लिन को बाहों में उठाते हुए हवा में उड़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। लिन बोलता है यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुई बोलता है इस फॉरेस्ट में कोई लाइट नहीं है, मैंने यहाँ पे आके गलती कर दिया। लिन हंसते हुए बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे कि इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तुम्हारे साथ रह के मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुन के कुई स्माइल करता है। नेक्स्ट डे सुबह वो लेडी बोलती है पोशन रेडी हो चुका है, मैंने इसे ड्रीम सकिंग स्नेक से बनाया है, अब बस मुझे इसे स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मुझे बस ये दो रिंग मिला स्टोर करने के लिए, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, हमें इससे काम चलाना होगा। तुम दोनों को ये रिंग पहन के रखना होगा, तुम्हें ये रिंग कभी उतारना नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे ड्रीम सकिंग स्नेक से एनर्जी लिन को वापस मिल सकता है। उस रिंग को देख के कुई सोचता है ये बस नॉर्मल रिंग की तरह लग रहा है। वो लेडी बोलती है अगर तुम्हें किसी रीजन की वजह से रिंग को उतारना पड़ा देन तुम्हें इसे तुरंत पहनना होगा। अगर ये रिंग ज़्यादा देर तक तुम्हारे बॉडी से दूर रहेगा देन मैजिक डिसअपियर हो जाएगा। तुम दोनों जितने करीब रहोगे एनर्जी उतनी तेजी से ट्रांसफर होगा। अभी तुम दोनों को एक दूसरे को ये रिंग पहनाना होगा देन इसके बाद से लिन को एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन के दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगते हैं। लिन सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों वेडिंग रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं।
वो लेडी बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे रिंग पहना रहे हो जैसे कि तुम दोनों वेडिंग रिंग एक्सचेंज कर रहे हो। ये सुन के वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। इसके बाद दोनों उस लेडी को गुड बाय बोलते हैं। वो लेडी सोचती है शायद फ्यूचर में हम दोनों अगेन मिलेंगे। दोनों वापस सिटी पहुँच जाते हैं। लीन कुई को बोलता है, जब हम दोनों माउंटेन्स पे जा रहे थे हमें बहुत दूर तक चलना पड़ा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों तुरंत सिटी पहुंच जाएंगे। कुई बोलता है शायद ये सब विच का मैजिक है। तभी एक पर्सन कुई को पुकारता है। कुई उसकी तरफ देखता है। वो पर्सन बोलता है, ये तुम ही हो, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। ये पर्सन कुई का दोस्त है। उस पर्सन को देख के कुई सोचता है ये वही है जिसने मुझे हिट किया था। वो पर्सन बोलता है, कितने साल गुजर गए ट्रांसफर होने के बाद, मैं तुमसे नहीं मिला हूँ, तुम कैसे हो? पर कुई उससे बात नहीं करता है। वो लिन को बोलता है चलो यहाँ से। ये देख के वो गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है, क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है? कुई हंसते हुए बोलता है, मुझे वाला तुम पे गिल्टी फील क्यों होगा? वो पर्सन बोलता है, मुझ पे नहीं बल्कि उस लड़की पे। जब हम दोनों के बीच फाइट हुआ था मैंने सोच लिया था कि अगर तुम दोनों साथ में रहोगे देन मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। ये सुन के लिन सोचता है, साथ में रहना इसका क्या मतलब है? वो पर्सन कुई का ओल्ड फ्रेंड है। उसका दोस्त चिल्ला के बोलता है, पर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसे अकेला छोड़ने का? क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगा? क्या तुम्हें इन सब से कोई गिल्टी फील नहीं होता है? कुई बोलता है, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ एंड मेरी बातों को सुनो। तभी लीन कुई का हाथ पकड़ता है एंड उस पर्सन को रिंग दिखाते हुए चिल्ला के बोलता है, मैं कुई का पहला प्यार हूँ, इसीलिए प्लीज ड्रामा करना बंद करो। ये सुन के कुई शोक में पड़ जाता है। लीन कुई को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, चलो हमें सामान खरीदना है। लीन का बिहेवियर देख के कुई हंसने लगता है। वो लिन को बोलता है, क्या तुम उससे हम दोनों का कपल रिंग दिखाना चाहते थे? लिन बोलता है हाँ। कुई बोलता है, तुम उसे बता सकते थे कि हम दोनों ऑलरेडी एंगेज हैं। लिन बोलता है, एंगेज? क्या ये बात बोलना जरूरी था? ये सुन के कुई हंसने लगता है। देन वो कुई के हाथों पे किस करता है एंड उसे थैंक यू बोलता है। उन दोनों को देख के कुई का दोस्त सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुई को मिसअंडरस्टूड किया था? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।